देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या, ऑल सरफेस आर स्मूथ, जितने भी सरफेसेस हैं वो कैसे हैं, स्मूथ हैं, ठीक है। और उसके ऊपर एक ब्लॉक, एक वेज है, ये वेज है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, कैपिटल एफ, ठीक है। फाइंड द एफ, हमको एफ फाइंड करना सच दैट द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। हमको इस फोर्स की वैल्यू निकालना है कि एफ इतना हो कि जिस पे ये दोनों साथ साथ मूव करें, मतलब ये नीचे न जाए, ठीक है। तो ये बताइए, अगर ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, दोनों साथ साथ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। अच्छा, फोर्स किधर लग रहा है, हॉरिजेंटल, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा वो किधर होगा, हॉरिजेंटल। इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट अबाउट कैपिटल एफ, तो आप क्या बोलोगे, चूंकि दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो ऐसे लिखोगे, बोलो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है। पहले हमारा टारगेट क्या, ये फिक्स हो गया। ये जो ए है किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे अगर कोई बच्चा बैठा है तो उसको देखेगा कि ये भी ए से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है, दोनों साथ साथ चिपके हुए हैं, तो एफ कितना हो जाएगा, इतना, इतना तो क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक इनर्शियल फ्रेम से और एक नॉन इनर्शियल। जैसे बोला हमने इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, किससे करना चाहते हैं, इनर्शियल मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, बोलो, ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, जमीन पे, या तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है या फिर वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट। जब इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तुरंत दिमाग में आता है कि ऑब्जर्वर पे की बात हो रही है, और वो जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, उसकी वेलोसिटी या तो जीरो होगी या तो कांस्टेंट, दो ही होगी। जैसे बोला अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैठ के इसको देखना है, किसको देखना है, इसको बोला कि ये स्टेशनरी में है, तो इसी के फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करना है। ऑब्जर्वर ए है, ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब पहले तो क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखोगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका बनाओगे, स्मॉल एम ब्लॉक का, ठीक है, स्मॉल एम ब्लॉक, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बोलो, ग्राउंड। क्यों, क्योंकि ग्राउंड में यहां पे बैठ के किसको देख रहे हो आप, इसको देख रहे हो, यहां पे बैठ के किसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, कहां पे बैठे हो, ग्राउंड पे, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम की बात होती है तो यहां पे जब इनर्शियल फ्रेम है, तो अब तक हम लोगों ने जितना भी इनर्शियल फ्रेम, जितना भी फ्री बॉडी डायग्राम बोला था, बनाया था, उसमें कभी नहीं लिखा कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, जितना न्यूटन्स लॉ में अब तक डिस्कशन किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सभी किसके रिस्पेक्ट में था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। यहाँ पे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखे हैं। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बैठे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड पे बैठ के इसको देखोगे। तो ये जब आप इसको देखोगे तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, किस वाले का, स्मॉल एम की बात करें तो स्मॉल एम पे फोकस करो। ये बताओ जब इधर से कैपिटल एफ फोर्स लगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा, ये सरफेस हमेशा किधर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर, परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो कि नॉर्मल फोर्स होगा, क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, हमेशा नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है एन। चूंकि ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स रोकने वाला इधर से नहीं है, तो ये नॉर्मल फोर्स ये एन हो गया, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो ब्लॉक था, इसको इधर ही करो, ये जो ब्लॉक था आपका, ये जो ब्लॉक था, इसको अगर आगे बढ़ाओ ऐसे, तो ये एंगल कितना था, बोलिए, बोलिए, थीटा था, बोलो, ये एंगल थीटा है। अगर आपसे कोई पूछे, इसको ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये 90 मिलेगा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो अगर आपसे पूछे ये कितना एंगल होगा, तो क्या बोलोगे, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो एन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में करोगे तो क्या लिखोगे, बोलो, एन कॉस 90 माइनस थीटा, तो बेसिकली ये क्या हो गया, साइन थीटा, बोलो, नहीं समझे, इसको क्या लिखोगे, दिस इक्वल टू एन साइन थीटा, क्लियर हो गया नहीं। और इधर की तरफ क्या मिलेगा आपको,
एन, अगर इधर साइन थीटा मिल रहा है तो इधर क्या मिलेगा, कॉस थीटा। नहीं, अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे कर दो, ये थीटा हो गया तो इधर एन कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा, परपेंडिकुलर। सिंपल सा, अब आपको समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे बैठे हो, इसको देख रहे हो, तो आपने देखा कि ये ब्लॉक स्थिर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा नीचे की तरफ कौन वर्क करेगा, एम जी, यही हुआ ना। इसका वेट किधर की तरफ होगा, एम जी। तो नॉर्मल फोर्स ये था, अब ये बैलेंस कैसे होगा। अगर ये स्थिर है, स्थिर तभी हो सकता है जब इसका एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा किसके बराबर हो, एम जी के। बोलो, अगर एन जी सॉरी एन कॉस थीटा दिस इक्वल टू बराबर किसके हो, स्मॉल एम जी के, तभी ये बैलेंस हो सकता है ना। बोला है ना क्वेश्चन में कि ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब कि पड़ा हुआ है, एक बैलेंस है। तो बैलेंस तभी हो सकता है जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों क्या हो, बैलेंस हो। तो एन कॉस थीटा दिस इक्वल टू एम जी। अब दूसरा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, एन साइन थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि अब ये बताओ, आपने बोल दिया कि एम जी को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा, लेकिन एन साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा। एन साइन थीटा किधर, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है बताओ, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। तो जब ए है तो, और इसका मास एम है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए दिस इक्वल टू किसके बराबर में मिलेगा, एन साइन, एन साइन थीटा। तो इसको क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलिए क्लियर है। अब डिवीजन कर दो एन साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू, तो डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस थीटा, एन से एन कैंसिल हो गया, और इधर क्या मिलेगा, ए बाई जी। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जी इंटू टेन थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, ए की वैल्यू क्या मिली, जी साइन सॉरी जी टेन थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी टेन थीटा। तो जो फोर्स हमको मिला है वो कितना हो जाएगा, इसके बराबर। ये फोर्स कब मिला, जब आपने यहाँ पे बैठ के इसको पूरे एनालिसिस की, तो फोर्स की वैल्यू ये आ गई। क्लियर वर्क नहीं, ये कब है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, मतलब ऑब्जर्वर या तो कैसा है, जीरो वेलोसिटी पे या तो चुपचाप फिक्स है, या तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और इसको देख रहा है। तो आपने एनालिसिस की पूरी, ठीक है, तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इसको बना लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, या पॉज करके बना लिख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़, नहीं मतलब इसी पे, इसी क्वेश्चन को करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से करते हैं, उसमें भी यही है, एफ की वैल्यू निकालनी है हमको, ए तो दोनों में सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे जब नॉन इनर्शियल फोर्स बोला, तो नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट फॉर्म। कहां पे बैठना है आपकी बार, जैसे नॉन इनर्शियल बोला, इसका मतलब ऑब्जर्वर कितने से मूव कर रहा होगा, ए एक्सेलरेशन से। अब ये बताइए ये कब पॉसिबल है, इसका मतलब ऑब्जर्वर यहां चुपचाप बैठा हुआ है, बोलो ऑब्जर्वर इसको बैठ के देख रहा है, इसको ये देख रहा है ऊपर की तरफ, क्लियर। इसको क्या नजर आएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री वाई डायग्राम बनेगा, क्लियर है कि नहीं। पहले हमने फ्री वाई डायग्राम बनाया था किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बंदा यहां बैठा था वो इसको देख रहा था, अब ये इसको देखेगा तो उसको कैसा नजर आएगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम वो बनाना है। तो यहां पे क्या लिखोगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम, किसका, स्मॉल एम का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो ये किस पे बैठा हुआ है, वेज पे, तो वेज, क्लियर कि नहीं। जैसे जैसे बोलता जाए बस वैसे वैसे करते जाओ, क्योंकि ये क्या है ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए, इसमें दिमाग लगाना नहीं है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है।
नॉन इनर्शियल बोला तो इसका मतलब क्या बताया था, इनर्शियल नॉन इनर्शियल का मतलब ऑब्जर्वर किससे मूव कर रहा है, ए एक्सीलरेशन से, याद है? अब यहां पे देखो ए एक्सीलरेशन से कि नहीं, अब यहां पे बैठेगा वेज भी कितने से जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से, ये भी ए एक्सीलरेशन जा रहा है, तो जब इसमें बैठेगा तो ये भी किसने से जाएगा, ए से, तो ये कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। क्लियर? इसी चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन यहां पे और भी कर सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे स्मॉल एम ब्लॉक का, ठीक है, ये स्मॉल एम है, ठीक है, अब फिर वही बात कि ये जो फोर्स लगा रहा है तो इस पे नॉर्मल फोर्स तो किधर लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स किधर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड वही यहां पे भी ये कितना थीटा अभी आया था, जो इधर कितना हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर की तरफ कितना आया था एन साइन थीटा, एम जी डाउनवर्ड, बोलो क्लियर है? यहां पे जो बंदा बैठा है वो जब इसको देखा, जब उसने उसको देखा तो उसको ये नजर आ रहा है कि भाई ये नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, तो उससे पूछा कि एक्सप्लेन करो, तो वो बोला कि सर इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, तो उसने बोला कि सर एन कॉस थीटा दिस इक्वल टू एम जी, यहां तो ठीक है वर्टिकल कंपोनेंट को तो बैलेंस कर लिया, अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो नेट फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन कितना है, बोलो एन साइन थीटा, उसको फोर्स दिखा, कैसे दिखा, आप कहोगे फोर्स कैसे दिखा, अरे भाई नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तभी तो नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन उक्शन है कुछ नहीं है, तो ये तभी जब पॉसिबल है जब एन का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा इसको क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बोलो क्लियर है? इधर एन लग रहा था इधर एन साइन थीटा, तो उसे लगेगा कि भाई इधर एन लग रहा है तो इधर एन साइन थीटा, मतलब हॉरिजेंटल फोर्स है, बट एक्सीलरेशन इसका क्या है, जीरो, क्यों, क्योंकि ये भी ए से जा रहा है ये भी ए से, जब इसको देखेगा तो ए माइनस ए क्या मिलेगा, जीरो, तो मतलब आप कहोगे कि सर यहां तो ए जो नेट फोर्स का रिजल्ट ए है वो तो जीरो है, बोलो क्लियर है? इसी चीज को हम बोलेंगे दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। वैसे तो हमने पहले ही बोल दिया कि नॉन इनर्शियल है, अगर जिसको वेरीफाई करने के लिए, अब क्लियर है कि नहीं कि असली फोर्स है एक्सीलरेशन नहीं है, हमने बोला था अगर फोर्स है जो बंदा बैठ के देख रहा है पार्टिकल को या जो भी बॉडी को, उस बॉडी का इसके रिस्पेक्ट में फोर्स दिख रहा है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है, या हो सकता है फोर्स हो लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो, जीरो, सॉरी यहां पे फोर्स है एक्सीलरेशन जीरो, हो सकता है कि फोर्स जीरो हो लेकिन एक्सीलरेशन हो, दोनों केस पॉसिबल है, तो इसका मतलब वो किस फ्रेम में आ गया, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल का मतलब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है क्या, नहीं। तो अब इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए क्या बताया था कि सूडो फोर्स लगेगा, नहीं, इसके ऊपर क्या लगेगा, सूडो फोर्स। जो सूडो फोर्स का कंसेप्ट ये है कि वो हमेशा किधर लगता है, जो भी अनबैलेंस है, कौन सा, ये अनबैलेंस है, इस फोर्स के जो फोर्स होगा एफ की वैल्यू किसके कह रहा, सूडो फोर्स एफ की वैल्यू आती है मास ऑफ द पार्टिकल, किस पार्टिकल देख रहे हैं, इस पार्टिकल को, तो मास ऑफ द पार्टिकल इन टू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन किधर है, इधर, और ये लगता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, तो फोर्स जो होता है माइनस एम इंटू ए के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन इधर है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा एम इंटू ए। अब अगर कोई पूछे इससे बताओ एक्सप्लेन करो कि कैसे बैलेंस हुआ, तो ये नहीं बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा ये कहां से आया, क्यों, क्योंकि इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंट है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर? तो एम ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो एम ए दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा, बोलो ये क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन नंबर टू, और ये कौन सा है, एम जी दिस इक्वल टू एन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। फिर से वही डिवीजन करके देखो तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, जी टेन थीटा, क्लियर हुआ कि नहीं, और ये वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी टेन थीटा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो दोनों तरीके से आपने देखा कि इसके ऊपर
जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, इसके बराबर। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? बोलो। और किसी के दिमाग में आया कि सर मैं इतना क्यों करूं, उसको भी देख लेते हैं पहले, बताओ क्लियर है? इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं कि आप क्या करोगे। पहले तो स्टार्टिंग में सीखते समय इतना सही है कि ठीक है, लेकिन कोई कहता है कि नहीं सर मैं थोड़ा, हमको थोड़ी समझ हो गई है किसकी, इनर्शियल फ्रेम की और नॉन इनर्शियल फ्रेम की। और कहते ना कि जब समझ हो गई तो समझ का इस्तेमाल करो, नहीं? और इस क्वेश्चन को मैं नॉन इनर्शियल से करना चाहता हूं। जैसे बोले नॉन इनर्शियल, इसका मतलब ऑब्जर्वर का ऑसिलेशन होना चाहिए। बोलो, पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर है कि नहीं? ऑब्जर्वर का क्या होना चाहिए, ऑसिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये कहां बैठना चाहिए, कहां बैठेगा जाके, उसके पास। इसकी स्टडी कर रहे हो तो उसके पास बैठ गया, मतलब वेज पे बैठ गया। अच्छा, अब आप, आपको पहले से पता है कि जब ये, इसका भी ऑसिलेशन ए है, इसका भी ऑसिलेशन ए है, ठीक है, तो इतना तो श्योर है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। इसका कुछ भी हो, ये ए ऑसिलेशन से है ना, तो हमने क्या बताया, अगर ऑसिलेशन ए है, ए ऑसिलेशन से मूव कर रहा है ऑब्जर्वर, तो वहां न्यूटन्स लॉ फेल हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहली बात, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसके रिस्पेक्ट में, इसका एक एन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, ये दो फोर्स हुए। ये दो फोर्स कौन से, रियल फोर्सेस। अगर पूछ दिया कि कितने रियल फोर्सेस हैं, तो एक एन होगा और एक एम जी, सिर्फ दो। अब बैलेंस कंडीशन में अब कहोगे कि एम जी को कौन बैलेंस करेगा, ये थीटा है तो इधर हो गया एन को एन साइन थीटा और इधर एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस किया, एम जी को। इसमें तो कोई डाउट नहीं। जब आते हैं इस पे कि अब हमको ये पता है कि फोर्स है लेकिन इसका एक्सेलरेशन नहीं है, एकदम शॉर्ट है, देखो एकदम शॉर्ट बता रहे हैं, बस तुरंत इस पे फोकस करो, तुरंत बनाया। तो एन साइन थीटा किसके बराबर होगा, सूडो फोर्स के। सूडो फोर्स किधर लगेगा बताओ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। कितना होगा मास ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक को देख रहे हो तो इसका मास इनटू ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जर्वर का अपोजिट डायरेक्शन। अब जो एफ था, कैपिटल एफ, वो क्या था, मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को आप देख रहे हो, इनटू ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फोर्स क्या मिला था, माइनस इंटू एम इंटू ए के करस्पॉन्डिंग, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इसी वजह से यहाँ बना दिया। तो ये हो जाएगा ए। अब ये मैथमेटिकली ये इसको बैलेंस करेगा, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, एम इंटू ए। तो इसको डिवाइड करोगे तो ए बाई जी दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, जी टेन थीटा। और अभी जो फोर्स आया था, अब यहाँ से फोर्स लिखना हो तो क्या लिखोगे, दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो इसका मतलब एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, या एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी टेन थीटा। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ये डायरेक्ट कंसेप्ट, मतलब ज़्यादा जब थोड़ी समझ डेवलप हो गई तो हमको डायरेक्ट लगा देना है, क्योंकि अभी जैसे ऐसे सीखोगे तो अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हम लोग सीधे सूडो फोर्स से करेंगे, ज़्यादा चूचा नहीं करेंगे, ठीक है? बन गया ये? बनाओ जल्दी से, स्क्रीन शॉट ले लो या फिर